क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं आज आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, ये आपको बेस्ट ऑफ द फाइव योजना जो अभी तक हमारे एमपी बोर्ड में चल रही थी दसवीं क्लास के बच्चों के लिए, उनके लिए बता रहा हूँ। ये एक छोटा सा मार्कशीट का नमूना मतलब लाया हूँ मैं किसी बच्चे का, जो यहाँ लिखा हुआ है कि अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल यानी दसवीं की रिजल्ट है, 2021-17 में निकला था इसका, ठीक है। तो क्या होती बेस्ट फाइव योजना, वो बच्चे जो नए हैं वो इसको समझ लें पहले। चलिए मैं आपके सामने इसका रिजल्ट वाला पार्ट निकालता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये रिजल्ट है इस स्टूडेंट का, ठीक है। यहाँ पर इसके टोटल 6 पेपर होते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अभी भी होंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि 6 पेपर के हिसाब से इसके टोटल मार्क्स 100, 200, 300, 400, 500, 600 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जो महायोग यानी टोटल है वो 500 है। यानी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को रिजल्ट में काउंट ही नहीं करते थे बच्चों। ये हैशटैग लगा ना, आप ध्यान से देखना, इस हैशटैग के मार्क्स नहीं जोड़े हैं, बस आप ये जो मार्क्स सबसे कम होते हैं बच्चों, उस एक सब्जेक्ट के मार्क्स को हटा दिया जाता था अभी तक। यानी 5 सब्जेक्ट में ही पास होना जरूरी था, छठे में पास हो जाओ, जैसे ये बच्चा सब में पास है, लेकिन इसका जो छठा सब्जेक्ट 38 मार्क्स सबसे कम है, तो इस 38 मार्क्स को हटा दिया गया है। ये बेस्ट ऑफ द फाइव का रूल हुआ करता था अभी तक, 2023-24 सत्र तक भी ये लागू था, लेकिन अब 2024-25 सत्र में क्या होगा, इस रूल को ख़त्म कर दिया गया। यानी अब आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में पास होना पड़ेगा। अभी तक जनरली जो बच्चों का मैथ्स ख़राब होता था वो मैथ्स को छोड़ दिया करते थे, जिनका इंग्लिश ख़राब होता वो इंग्लिश को छोड़ देते, कोई सोशल को छोड़ता था, लेकिन अब बच्चों सारे सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ाई भी करें, और हम हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर सारे सब्जेक्ट ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।